और गाइस एक छोटी सी गुड न्यूज है जो कि आपको थोड़े टाइम में हम लोग अच्छे से बताएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोलना 1 2 3। 1 2 3 क्यों बोलना है? कैमरा चालू क्या मतलब? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग कार सर्विसिंग करने जा रहे हैं, बट हमारी नहीं, हमारे दोस्त की। एक्चुअली कल रात को उसका एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उसकी कार पूरी एक साइड से ठुक गई है। सो आज यश ने मुझे बहुत जल्दी उठाया, 9 बजे उठ निकलना है, जबकि रात को भी बोल सकता था मुझे कि नीलम सुबह जाने का है, क्योंकि इसको बोर हो रहा था अकेले जाने को इसकी गाड़ी से, तो उसने बोला नीलम तू भी आ। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसा ही है यार, ऐसा ही है यार, ऐसा ही है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तेरे को, है ना? कितना टाइम हो गया गाड़ी खरीद के? एक साल में ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत बुरा लगता है। सेम एक्सपीरियंस किया है मैंने तेरे ऐसा। मेरे ख्याल से आधा घंटा जाएगा अभी। हम लोग ने कितने टाइम से कोई मूवी नहीं देखी, और नीलम को कब से गंगूबाई देखना है मुझे। हाँ, 4 दिन से बोल रही है गंगूबाई रिलीज हो गई, कितना टाइम हो गया, अब तक मूवी नहीं देखी। पहले तो कोई भी मूवी रिलीज होती थी चल देखने जाते। और आजकल हर मूवी थिएटर पूरा फुल रहता है यार, पैक हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएगा आधे घंटे में, तो सोच रहे की मूवी देख के आ जाए। अगर अच्छे से फ्री हो गए तो तेरी गंगूबाई देख के आएगी। तेरी गंगूबाई नहीं, तेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस है। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर होगा ना, उस दिन ज्यादा मजा आएगा मुझे देखने। वो तो फर्स्ट शो फर्स्ट सीट देखने जाएगा। फर्स्ट सीट फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहता है वो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट सीट। फर्स्ट सीट कौन बैठता है? नीलम। मैं बैठती हूँ, मजा आएगा देख। हाँ, उसमें सस्ता मिलता है ना टिकट, इसीलिए ना। और गाइस एक छोटी सी गुड न्यूज है जो कि आपको थोड़े टाइम में हम लोग अच्छे से बताएंगे। अभी वो गुड न्यूज है, बट वो अभी फिलहाल उसका छोटी सी है। हाँ, तो उसको थोड़ी बड़ी होने देते हैं। तो हम लोग अच्छे से बताएंगे आपको, थोड़ी सी कंफर्म होने देते न्यूज, फिर बताते। कल्पक की कार को देख के इतना दुख हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। मतलब क्या बीती होगी उसपे, नई नई गाड़ी लेके कोई ऐसा ठोक देता है साइड से। तो मेरे साथ बहुत हुआ है, 4-5 बार हो चुका है। मेरी गाड़ी को हर जगह से किसी ना किसी ने ठोका है। मैं भी सोच रहा हूँ अभी मेरी कार दे दूँ थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए, और ठीक करा दूँ। बट नीलम कार देंगे तो 15-20 दिन या पता नहीं 1 महीना लगेगा। बिना कार के कैसे रहेगी? 1 महीना कार नहीं रहेगी, पता नहीं कितने दिन लगेगा। 15 दिन तो उन लोग बोलते हैं, अगर कोई वर्कशॉप 15 दिन बोलता है तो वो 20-25-30 दिन भी हो सकता है उसका, कुछ आइडिया नहीं है। बट मैं दूंगा, जल्दी देने वाला हूँ मेरी कार भी, कोई दोस्त की कार लीज पे ले लूंगा। 1 महीने के रेंट पे दे दे मेरे को भी। गाड़ी तो देख के आ गया कल्पक, बट अभी FIR करना पड़ेगा, उसके बिना इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। तो ये तो पता नहीं था मुझे, और इसे भी पता नहीं था। जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तभी तो हम लोग को करना पड़ा FIR, क्योंकि पुलिस ही आ गई थी वहाँ पे। कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो FIR करने का, वो स्पॉट पे वीडियो और फोटोज निकालने के, अपने गाड़ी के, सामने वाले के गाड़ी के, ताकि इंश्योरेंस वालों को दिखाने के लिए कुछ प्रूफ रहता है। और अभी मुझे एक बाइक देखनी थी, खाली देखनी है। नीलम का एक्सप्रेशन चेंज हो गया बाइक सुन के। यश नहीं है। अच्छी लग रही है ना नीलम? अच्छी तो लग रही है। चलो खाना खाने, नीलम का पेट पूजा करने। नीलम ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो लोग रेस्टोरेंट में आए कुछ खा लेंगे। वैसे व्लॉग में सबने पहली बार देखा होगा कल को, है ना? नहीं नहीं, बाइक के ब्लॉग ये कभी मिलता ही नहीं हम लोग, कोई भी प्लान बनाते ना, अरे मैं तो गांव में हूँ, अरे मैं तो इधर हूँ, अरे मैं तो उधर हूँ, कभी नहीं मिलता। आज मिला बहुत सालों बाद। ये देखो मेरे चप्पल का क्या हाल है, 10 साल में मैंने एक बार ये चप्पल पहनने के लिए निकाली और ये क्या हो गया, अब मुझे लंगड़े की तरह चलना पड़ रहा है ऐसे ऐसे। ओ हाँ यश, कैसे दिया अंकल वाटरमेलन? 60, 70, 80। 80 और 60 वाले में क्या फर्क है? बस साइज का ही फर्क है, 50 का ही ले यश। हाँ, साइज का तो फर्क है, निकल ही गया पूरा। साल में एक बार ऐसे जूते पहनेगी तो फटेगा ही ना। गरीब इन्फ्लुएंसर है तो बहुत बहुत टाइम बाद नीलम ने आज सैलड बनाया है। वेजीज एंड सैलड आर सेम ना। ओ इधर पानी डाला है, मैं निकाल नहीं सकता, बट यहाँ से देख लो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और नीलम का बुलावा है कि स्लो कर दे। वाओ, दिस लुक सो डिलीशियस। बट इतना कम कैसे हो गया, तूने तो बहुत कटिंग किया था। ओ ओके ओके। हे गाइस, सो इट्स अ डे 2। आज मेरा अपन सीरीज थोड़ी बना। यस, क्या पागल है ये इंसान, ये ठोकने वाला था अभी हम लोग को, वो सीख रहा है क्या यश? क्या बता, जान गया। अच्छा हुआ, नहीं तो सीधा जाते थे अपन। मुझे लग रहा है ना ये गाड़ी वाला सीख रहा है, और ये कैसे भी चला रहा है। मस्त धमाकेदार ओपनिंग हुई अपनी सेकेंड डे की। एक्चुअली कल का व्लॉग हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं तो अभी तक सदमे में हूँ। क्या हुआ ये नीलम? तुझे ही पता चला कि वो ठोकने आ रहे हैं। मेरा ध्यान भी नहीं था कि वो ठोकने आने वाला है, तो भी मैंने फटाक से रोका लिया एंड टाइम पे। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। ठीक है गाइस,
पूरे दिन में ऐसा लग रहा है मैं सदमे में रहूंगी कि मुझको ठोकने वाला था गाड़ी को यहाँ से। कोई बात नहीं, सो इट्स अ डे टू और आज मेरा हेयर कलर का अपॉइंटमेंट है। अपने शायद अक्टूबर में एक हेयर कलर का ब्लॉग देखा था मेरे चैनल पे जो हम लोग ने पोस्ट किया था, जो कि पूरा दिन हम लोग सैलॉन में थे 12 घंटा। होप सो उतना टाइम ना लगे, देखते कैसा होता है। बहुत टाइम बाद हम लोग आज सुबह सुबह मिले और ब्लॉग स्टार्ट करे, बिकॉज अगेन मेरी मम्मी गाँव चली गई है, सो मुझे घर पे रहना पड़ता है थोड़ा। तो अभी सोच रहे नाश्ता कर ले, तो कुछ खा गया? मैं तो पेट भर के खा गया एकदम। मेरे लिए खाना नहीं लाता है कभी, तू ऐसे भी खा के आता है घर पे। नीलम वैसे ब्रेकफास्ट नहीं करती है, बीबी कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, ग्रीन टी पिएगी, पानी पिएगी, ग्रीन टी ब्लैक कॉफी पीऊंगी सुबह। मैं ग्रीन टी नहीं पीती, खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए सुबह सुबह उठ के, तुमको उल्टी होगी। ब्लैक कॉफी से भी उल्टी होती है, ब्लैक कॉफी से कोई उल्टी नहीं होती, ब्लैक कॉफी मस्त होती है। मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी हम लोग को 1 घंटे के अंदर अभी निकलना है सैलून के लिए। सो अपने लंच के लिए कुछ लेना है, मेथी थेपला टाइप्स कुछ। उस दिन खाया था ना, तो उस दिन खाया तो क्या रोज खाने का क्या मेथी थेपला? मेथी थेपला लंच के लिए, अभी मेथी थेपला क्यों चाहिए? क्योंकि अपन घाई में होने वाले लंच के टाइम पे, समझा? अपने को निकलने वाले, अपने को ऑर्डर करने को टाइम नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्विक मेथी थेपला रोल करके खा लेंगे, निकल जाएंगे। 2 दिन बाद स्टूडियो में आया, ऐसा लग रहा है प्लांट ना शिफ्ट करने पड़ेंगे तेरे घर पे। या नहीं नहीं, मेरे घर पे नहीं, तेरे घर पे। तेरे घर पे बालकनी है ना बड़े बड़े, सब लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से हम लोग ख्याल नहीं रख पा रहे, आधे तो सूखने आ जाते हैं। सूख नहीं गए, इसको तो पत्ते ही नहीं आ रहे। इसको हम लोग ने इतना ट्राई किया, पानी डाला, क्या क्या किया, कुछ पत्ते ही नहीं आ रहे इस पे। तो नीलम अभी सब लेके जाएगी, मेरी मम्मी ध्यान रखेगी सबका। वेरी गुड। हम लोग ने 2 दिन पहले ये ब्रेड लिया था, गार्लिक ब्रेड। नीलम को गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, बट उसका डेट निकल गया, तो अभी हम लोग एक बार चेक करेंगे ब्रेड अच्छा है कि नहीं, नहीं तो फिर हम लोग को फेंकना पड़ेगा। नीलम का फेवरेट गार्लिक ब्रेड नहीं खा पाएगी हम लोग। देखो बोला था मैंने घर पे लेके जा। हम लोग सिर्फ 2 दिन नहीं थे तो कबूतर ने पूरा खराब कर दिया हम लोग का बालकनी। नीलम मुझे चिल्ला रही कि कैक्टस क्यों फेंका तूने? हाँ, कैक्टस नहीं फेंकना चाहिए था, कैक्टस की वजह से एटलीस्ट आते नहीं थे। हम लोग ने कैक्टस एक्चुअली वहाँ पे रखा था, तो कबूतर यहाँ पे आते, कबूतर को दिखता है कैक्टस है तो भाग जाते, इससे रहा नहीं जाता। एक चीज मतलब दिखी कुछ गंदी तो पहले साफ करने का। आज हम लोग का शूट है, मतलब हम लोग का नहीं नीलम का शूट है, बट टमाटर हो रहा है कि करना है कि नहीं करना है। यश को एक काम बोलती हूँ, यश एक भी काम नहीं करता, आते ही मैंने बोला था बॉटल भर, तो सलमान खान जैसे घूम रहा है। क्या है? वो बात में बोला तूने? क्या है? मैंने बोला तो सलमान खान जैसे घूम रहा था, ऐसे घूमता था सलमान खान इग्नोर करके सब काम। आज मेरा शूट, आज मेरा शूट है। पानी पिएगी वो भी प्रो में। हां, तुम्हारा नहीं आज, और मैं बैठ सब करूं। क्वीन एंड द क्वीन, तेरे शूट में मैं गदा मंजूरी नहीं करती, सब धोती हूँ बर्तन, बाथरूम क्लीन करती हूँ, टायर साफ करती हूँ। पानी पीने के लिए ग्लास की जरूरत तो होती है, पर इसको स्ट्रॉ की भी जरूरत होती है। नीलम को भूख लगी है तो अभी मैं गार्लिक ब्रेड उसको बना के देता हूँ, और हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी है। रुक ना जरा, 5 मिनट रुक सिर्फ, इसको अभी गर्म करके चीज सब मेल्ट होगा और एकदम यमी बनने वाला है। नीलम आज मुझे पूरा एक एक चीज, मुझे यश ने बोला है कि ऐसे पहन, ये कर ये कर, हाथ का ब्रेसलेट रिंग इतनी पहन, इतना शर्ट इन कर। चलो अभी सामान हम लोग का रेडी है और हम लोग भी रेडी है, चले। कितने बैग है? शूट तो कोई और कर रहा है, वो भी नीलम के बैग देखो। खुद तो शूट करने वाली है नहीं, कपड़ा तो तुझे एक ही पहनना है पूरे दिन, तो भी इतने बैग तेरे। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, 2:30 बज गए हैं, लेकिन अभी लंच की तो भूख नहीं लग रही है। इसको तो लगेगी रेड से, इसका कुछ नहीं होता है, तो मेरा तो पेट फुल हो चुका है और मैंने ब्लैक कॉफी भी पिया था। शूट की शुरुआत कॉफी से हो रही है। यहाँ से कैमरा से देख रहा हूँ ना, तो मिस हो गया। 1 सेकंड के शॉर्ट के लिए थका दिया है पूरा, ऐसा लग रहा है फुल टैन हो गई मैं। उस साल में टैन नहीं हुई थी ना, लॉकडाउन था ना, तो 2 साल बाद अभी टैन हो गई। 1 सेकंड का शूट था खाली, 10-15 मिनट से नीलम आगे पीछे कर रही थी, अभी खत्म हुआ, अभी अंदर का शॉट होगा सब। हम लोग 1 महीने से जो ब्लॉग बना रहे हैं उसमें से 3-4 ब्लॉग तो हमारे शूट के ही है, आज भी शूट का ही ब्लॉग कर रहे हम लोग। नीलम अभी बैठ गई, नीलम कितना घंटा अभी
अभी कितना घंटा? दो घंटा लास्ट टाइम भी 4 घंटा बोल के 12 घंटा बैठे थे हम लोग। और फिर से हमारे फेवरेट शूट के लिए 2 घंटा और फिर से हम हमारे फेवरेट सैलून आ चुके हैं, अक्षय सैलून। अभी हमारा तो कुछ काम नहीं है ना 2 घंटा। मुझे तो बहुत भूख लगा है बट अभी ये नीलम नहीं खाएगी, मुझे अकेला खाना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे नहीं खा सकता। मेरे हिसाब से तू भी खा ले, अभी तेरा कलर होने के पहले खा ले, हमेशा खाते टाइम भूल जाते हैं पर ये बार नहीं भूले। तो अभी हम लोग ने सैंडविच मंगाया है, कुछ भी खाना नहीं खाया हम लोग ने। और चेतन का डाइट स्टार्ट था, अभी चीट मील हो गया। मुझे थोड़ी पीछे की दुनिया दिखा, एक ही व्यू देख के पक गए हो ना। 2 घंटे से बैठे ही नहीं, अभी तो आधा काम हुआ है, मेन चीज तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। देख ले थोड़ा व्यू, देख नया व्यू देख के कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बैठना है अभी, देख थोड़ा और घूमो बस थोड़ा। अच्छा मुझे देखना है तो पहले बोल देते। आज तेरे से ज्यादा काम मैं करो तेरे शूट पे। मैं भी तेरे शूट पे ज्यादा काम करता हूं, टायर धोता हूं। कट टू 5 घंटे बाद वही पोजीशन पे बैठे हम लोग। अभी तक आधा ही काम हुआ है नीलम तेरा। मेरी पीठ दर्द हो रही है और नीलम के बाल पूरे व्हाइट होने वाले हैं। फुल ब्लॉन्ड है, इसको प्रैंक कर लिया था हम लोग ने ऑलमोस्ट। मैंने पूछा उसको कि कौन सा कलर है तो बोलती है फुल ब्लॉन्ड है। जो हेयर ड्रेसर ने बोला मेरे को कि ऐसा ऐसा होगा पूरा ब्लॉन्ड कर देगा, मैंने बोला ठीक है कर सकते है, भरोसा नहीं क्योंकि कैंपेन का है। तो नीलम बाद में मेरे पास देख के हंसने लगी, मैं बोला समझ गया ये झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा झूठ हमेशा पकड़ लेता है, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती, मेरे को आता ही नहीं एक्टिंग। और यश बरोबर झूठ बोलता, मैं पकड़ ही नहीं पाती इसको कभी झूठा नहीं। पीछे से बैकग्राउंड भी दिख रहे थे, फनी नहीं है सच में, वो हो गया एकदम ब्लॉन्ड। बताओ तेरे को, अरे मतलब दिख रहा है कि कुछ हुआ है। मस्त है चलो नीलम, बहुत अच्छा। बहुत हो गया। सो गाइज अ बिग शाउट आउट टू अक्षय सैलून विच इज इन वसई, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों जगह पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द हेयर कलर, हमेशा ऑन पॉइंट जैसा चाहिए मुझे हेयर कलर वैसा ही करता है ये, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हेयर कलर होने वाला है यश का, जो कि मैं यश के पीछे बढ़ी हूँ, हेयर कलर करवा हेयर कलर ये नहीं करवा रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। अभी शायद से हमारे 1 वीक के अंदर 900K कंप्लीट हो जाएंगे और 1 मिलियन और 1 मिलियन भी शायद मेरे बर्थडे तक हो जाने चाहिए। कर दो आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, तो कर देना 1 मिलियन। और लास्ट वीडियो का विनर हम लोग वो वीडियो के नीचे अनाउंस करेंगे, तो ये वीडियो को जरूर लाइक करना और 7000 लाइक्स कंप्लीट करना, उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। यस बाय।